रही मैं खैबर पख्तूनख्वा आई टी बोर्ड सब पार्टनर्स और यहां पर मौजूद खैबर पख्तूनख्वा की यूथ को मेरे सीनियर मेरे बड़े भाई आतिफ खान को मैं मुबारकबाद देता हूं कि डी वाई एस ट्वेंटी वन ऑर्गेनाइज किया और इतना माशाल्लाह जबरदस्त एनर्जेटिक यूथ है एक तो मसला ये होता है कि आपको जब अचानक बुला देते हैं तो और आपसे पहले आपके सीनियर्स भी तकरीरें कर लेते हैं तो बातें ज़्यादातर ख़त्म हो जाती है आ, मैं ये समझता हूँ कि अगर हम बड़ी ईमानदारी से बात करें तो आ, डिजिटल सेक्टर में एज अ नेशन या एज अ प्रोविंस हम उतना ग्रो नहीं कर सके जितना हमें करना चाहिए था मैंने आज से कोई दो साल पहले एक वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की एक रिपोर्ट पढ़ी थी जिसमें कहा गया था कि कोई 10 मिलियन से ज़्यादा जॉब्स जो है बाय 23 थ्री हो जाएगी तो वो बड़ा अलार्मिंग था उसके बाद लिखा हुआ था कि 23 मिलियन नई जॉब्स क्रिएट हो जाएगी जिसमें ज़्यादातर डिजिटल सेक्टर से रिलेटेड है तो हमें इस पर बहुत ज़्यादा यकीनी तौर पर फोकस करना है हमने जो डिजिटल पॉलिसी 2019 में बनाई थी वो एक ऐसा रोड मैप था हमारे लिए और है कि अगर हम उसके ऊपर काम करें और मुझे बड़ी खुशी हुई पिछले दिनों मैंने आतिफ खान की एक स्टेटमेंट पढ़ी जिसमें इन्होंने कहा कि एक लाख यूथ को हम ट्रेन करेंगे तो ये बड़ा इनकरेजिंग है कि हम इसके ऊपर काम करें और एक हमने एक इंस्टीट्यूट के ऊपर काम किया था आतिफ खान साहब के साथ मर्दान में सेंटर फॉर डिजिटल इकोनॉमी एंड स्किल्स सी के नाम से वो अगर हमने कर लिया और स्पेशली जो हायर एजुकेशन की हमारी यूथ है अगर हम उनको यूटिलाइज करें बहुत बड़ा एक गैप जो हमें नज़र आ रहा है वो uh, डिग्री लेने के बाद जो है वो अनएम्प्लॉयबिलिटी है क्योंकि डिग्री जो है वो तो मिल जाती है स्टूडेंट्स को स्किल नहीं होता उनके पास हम लैक करते हैं अनफॉर्चुनेटली खैबर पख़्तूनख्वा की यूथ सॉफ्ट स्किल्स में हमारे हमारी यूथ के पास बहुत ज़्यादा हार्ड स्किल्स हैं हम अगर आईटी स्किल्स की बात करें बेहतरीन प्रोग्रामर्स हैं बेहतरीन डेवलपर्स हैं हमारे पास लेकिन वो अपने आप को मार्केट नहीं कर सकते अपने स्किल को सेल नहीं कर सकते तो हमें उसकी तरफ बहुत ज़्यादा फोकस करना चाहिए बहुत खुशी की बात है अगर हम एनअली ढाई से तीन लाख ग्रेजुएट्स हमारे खैबर पख्तूनख्वा से कॉलेज़ और यूनिवर्सिटीज़ से होते हैं और अगर हमने टारगेट सेट कर लिया कि एक लाख यूथ को हम ट्रेन करने जा रहे हैं डिजिटल स्किल्स में तो बहुत ज़्यादा खुशी की बात है इसमें इसमें हमें काम यकीनी तौर पर और मैं आतिफ खान साहब को हेल्पिंग हैंड नहीं बल्कि मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि हमारे जो यूनिवर्सिटीज़ कॉलेजेस में स्पेशली पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस में जो यूथ है हमें उनको ज़्यादा से ज़्यादा फैसिलिटेट करना चाहिए हमारे पास इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटीज़ हैं हमारे पास डिग्री कॉलेजेस में प्रोफेशनल स्टडीज़ में हम कंप्यूटर साइंस सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग वो हम पढ़ा रहे हैं हमें कोई ऐसे प्रोग्राम्स डिज़ाइन करने चाहिए जो सी के डिज़ाइन करते वक्त हमने सोचा था कि हम थ्री मंथ्स बड़ा एक्सक्लूसिव एक ट्रेनिंग करें हम क्रैश कोर्सेज और उससे निकल कर हमने एक होलिस्टिकली एक तीन मंथ्स का एक प्रोग्राम डिज़ाइन किया हुआ था जिसमें जो फोर्थ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के प्रोजेक्ट जो आ, स्किल्स हैं फोर्थ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के जो स्किल्स हैं जिसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ब्लॉकचेन, बिग डेटा इसके ऊपर हमें काम करना है अब मैं आपको इसके साथ एक और अपॉर्चुनिटी भी मैं बता देता हूँ क्योंकि एडिशनल चीफ सेक्रेटरी यहाँ पर बैठे हुए हैं हमें उसको भी कैपिटलाइज करना है हमने डिजिटल गवर्नेंस के ऊपर अब बहुत ज्यादा फोकस रखा हुआ है और, और मैं मुझे बहुत खुशी है कि आतिफ खान उसको भी बड़ा हैड ऑन ले रहे हैं डिजिटल गवर्नेंस से मैं मैं आपको ऑनेस्टली बताता हूँ कि हम जहाँ पे डिजिटल गवर्नेंस की बात करते हैं मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ एहसास प्रोग्राम की एहसास प्रोग्राम में हमने जब बिग डेटा एनालिटिक्स शुरू कर दिए तो हमें पता चला कि बहुत ज़्यादा सरकारी लोग उसमें आ, जो जो पहले बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम था बहुत ज्यादा सरकारी लोग उसमें से पैसे ले रहे थे उनकी फैमिलीज ले रहे थे ये ये बहुत बहुत पावरफुल है एक डिजिटल वर्ल्ड में हम इन सारी चीजों को करब कर सकते हैं तो अब एक आ, हमें ये मुझे ये पर्सनली फीलिंग है कि डिजिटल गवर्नेंस की तरफ बहुत ज्यादा रेजिस्टेंस है क्योंकि ये एक फियर है कि अगर ये चीज़ें आ गई तो उससे ट्रांसपेरेंसी आएगी हमारे पब्लिक सेक्टर में ट्रांसपेरेंसी का बहुत बड़ा एक फियर है लोग ये समझते हैं कि इसी तरह के वो एक्सपोज होना शुरू हो जाएंगे तो हमें इसके ऊपर भी काम करना है अभी रिसेंटली वजी अल साहब ने एक अनाउंसमेंट किया इन शाह विद इन वन मंथ हम एक बहुत बड़ा जो एक रिफॉर्म है वो लेकर आ रहे हैं वो ई e समरी है आई बिलीव के ई e समरी जो है वो अप्रूव हो चुकी है इसके अलावा हमने इनिशियली एक ई ऑफिस सिस्टम लॉन्च किया था जिसका मकसद ये था कि हमने ऑफिस से फाइल वर्क यानी पेपर लेस की तरफ जाना है पेपरलेस या लेस पेपर जो है वो वो फ्यूचर है डिजिटल गवर्नेंस का डिजिटल स्किल्स में ऑलरेडी जो एक लाख ट्रेनिंग है या इसके अलावा के पी बोर्ड बहुत पहले से प्रोग्राम्स कर रही है हमने हायर एजुकेशन में ई कॉमर्स डिप्लोमा वो डिज़ाइन किया अपने पार्टनर्स के थ्रू और अब उसको हम रोल आउट कर रहे हैं अपने 31 वन कॉलेजेस में जो कॉमर्स कॉलेजेस हैं हमने जो कॉमर्स कॉलेजेस थे उसका डिज़ाइन नाइनटीन में आया था अब हमको ट्वेंटी फर्स्ट सेंचुरी में ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं और ई e कॉमर्स की तरफ लेकर जा रहे हैं तो डिजिटल गवर्नेंस में बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है हमारी यूथ उसको फोकस करे डिजिटल स्किल्स इकॉनमी पूरी दुनिया की श्रिंक कर गई कोविड की वजह से लेकिन पाकिस्तान समेत पूरी दुनिया में जो आ, डिजिटल सेक्टर में जो लोग काम करते हैं उनकी इनकम बड़ी है जो फ्री लेंसिंग है इस तरह की और जो आउटसोर्सिंग बिजनेस है वो बहुत ज़्यादा ग्रो कर गया पाकिस्तान में इवन बहुत ग्रो कर गया तो हमें डिजिटल गवर्नेंस डिजिटल स्किल्स के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस करना है फिर जो ओवरऑल ये इकानमी ग्रो कर रही है डिजिटल इकॉनमी इस पर बहुत ज़्यादा काम हुआ है खैबर पख्तूनख्वा में आ, मैं ख़ुद इसका गवाह हूँ कि रिसेंट पास्ट में इस पर बहुत ज़्यादा काम हो रहा है इसको हमने वो करना है और आज का ये इवेंट उसी की तरफ एक स्टेप है कि हमारी यूथ एक तो जान ले कि खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत क्या करती है क्या कर रही है आपके लिए आप आपके लिए हम ऐसे प्रोग्राम्स लेकर आ रहे हैं उसके साथ ही साथ हमने ये भी देखना है कि मुस्तबिल में क्या लैंडस्केप बनने जा रहा है जो वर्ल्ड इकनॉमिक फोरम की मैंने आपके साथ रिपोर्ट शेयर की है वो बड़ा आई ओपनर है हमने उसकी तरफ अपनी यूथ को लेकर जाना है जो ट्रेडिशनल बिजनेस है, हैं जॉब्स हैं वो ऑब्सोलीट होने जा रही है हम ये समझते हैं कि विद इन नेक्स्ट टेन ईयर्स बहुत ज़्यादा चीज़ें चेंज हो जाएंगी रिटेल बिजनेस जो है वो ख़त्म हो गया है ऑलमोस्ट जो जो लोग हैं वो ऑनलाइन बिजनेस की तरफ जा रहे हैं उस पर हमें बहुत ज़्यादा काम करना है और यूथ की तरफ से आज जो पार्टिसिपेशन हम देख रहे हैं बहुत ज़्यादा इंक्रेजिंग है हमें ये एक्टिविटीज़ में के बोर्ड को भी ये कहना चाहता हूँ कि ये एक्टिविटीज़ बड़ी रेगुलरली होनी चाहिए और एक जो सबसे बड़ा गैप हमने फील किया हुआ है वो एक्डीमिया और इंडस्ट्री लिंकेजेस हैं हमें इस पर बहुत ज़्यादा काम करना है खैबर पख्तूनख्वा में आईटी इंडस्ट्री आ, इतनी ज़्यादा नहीं है हमने एक सेंसिस किया था जिसमें टू फिफ्टी टू फिफ्टी कंपनीज थी तो हमने यह कहा कि 250 फिफ्टी कंपनी से अगर हमने जम करना है तो पाशा के साथ हमने मिलकर मिलकर काम किया आई बिलीव के पाशा की रिप्रेजेंटेशन भी यहाँ पे होगी हम हमें अपने ग्रेजुएट्स को स्किल्स देने के साथ साथ मार्केट एक्सपोजर भी देना है तो उसमें भी सबसे जो की कॉम्पोनेंट है जिस पे हमारा पूरा ये डिजिटल लैंडस्केप जो है वो रिवॉल्व करेगा वो हमारी यूथ है यूथ को इस सेक्टर में ख़ुद से इंटरेस्ट लेना पड़ेगा अगर तो हमें अक्सर ऐसी चीज़ें सामने आती है कि यूथ की तरफ से हमें प्रेशर आता है वो खुद डिमांडिंग होते हैं तो हमें अब वो क्रिटिकल मास चाहिए जो हमसे डिमांड करे गवर्नमेंट से डिमांड करे कि हमें इन सेक्टर्स में फैसिलिटेट किया जाए खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की एक कमिटमेंट है रही है और रहेगी कि हम इन हमारा मैंडेट खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का और इमरान ख़ान का मैंडेट ही यूथ है हमें सबसे ज़्यादा यूथ ने सपोर्ट किया हमारे लिए यूथ निकली निकल रही है बहुत ज़्यादा ख़ान साहब को इनक्रेज uh, किया जाता है इन यूथ uh, की जानब से तो यूथ की ये हुकूमत है आपकी अपनी हुकूमत है आपने इसमें कॉन्ट्रीब्यूट करना है मैं ये समझता हूँ कि वो दिन दूर नहीं जब खैबर पखतूनख्वा इनशा डिजिटल हार्ट ऑफ पाकिस्तान बनेगा हमारी यूथ जो है वो आ, उस बहुत ज़्यादा पोटेंशल है मेरे मैं जब जिस वक्त साइंस और आईटी को देख रहा था तो आ, बाहर से डेलीगेशन आते थे तो वो मुझे कहते थे कि बहुत ज़्यादा पोटेंशल है खैबर पख्तूनख्वा की यूथ में हमें उनको सिर्फ पॉलिश करना है उनको एक्सपोजर देना है उनको फैसिलिटेट करना है तो वो हमारी कमिटमेंट है और आ, मैं आतिफ खान साहब से ये उनकी इंतजियाज़म को देखते हुए मैं ये समझता हूँ कि जो उन्होंने एम रखा हुआ है एक लाख लोगों को ट्रेन करना और फिर उनको मार्केट एक्सपोजर देना बड़ा एम्बिशियस है माशाल्लाह और इन और हमारी तरफ से उनको मुकम्मल सपोर्ट है दुआएं हैं नेक तमन्नाएं है, इन खैबर पख्तूनख्वा की एक लाख यूथ जो है वो ना सिर्फ ट्रेन होगी बल्कि वो क्रिटिकल मास होगी जो खैबर पख्तूनख्वा को डिजिटल हार्ट ऑफ पाकिस्तान बनाएगी आप सबका बहुत शुक्रिया